सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले में वर्षों से बनकर बंद पड़े छतरपुर बस स्टैंड स्थित शहर के इकलौते शौचालय में लग गया बोर्ड व फूल पत्ती। स्थानीय युवाओं और अधिकारियों की मदद से चमक गया बस स्टैंड में बना सुलभ शौचालय। अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मदद से एक कलंक से भी शहर को मुक्ति मिल गई। आज लोगों के बीच स्वच्छता का संदेश देने और जागरूक करने के लिए इस शौचालय का विधिवत फीता काट, नारियल फोड़कर और लड्डू बांटकर इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। जल्द ही शौचालय का संपूर्ण सौंदर्यीकरण किया जाना है। इस मौके पर नगर पंचायत की कार्यपालक अधिकारी कामेश्वर बिदिया, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अरविंद गुप्ता उर्फ चुनमुन और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुभाष मिश्रा ने संयुक्त रूप से इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री अरविंद ने कहा कि वे कार्यपालक अधिकारी और उनकी टीम के आभारी हैं कि उन्होंने पहल के बाद जनहित में इस ज्वलंत मसले पर संज्ञान लेकर इसे ठीक करने का काम किया। साथ ही कहा कि स्थानीय लोगों की भी भूमिका शहर के विकास में होनी चाहिए। कार्यपालक अधिकारी कामेश्वर बिदिया ने कहा कि वे संकल्पित हैं शहर के विकास के लिए। जल्द ही यह शहर और संपूर्ण नगर पंचायत बुनियादी सुविधाओं के साथ बदला नजर आएगा। इस पुनीत कार्य के लिए उपस्थित लोगों ने नगर पंचायत की कार्यपालक अधिकारी और उनकी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। छतरपुर से निरंजन सिन्हा की रिपोर्ट।